आम आदमी को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं, तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने संभाला है। आज सीएम ने आम जनता को बड़ी सौगात दी, अब आम आदमी प्राइवेट लैब में भी सस्ती दरों पर कोरोना जांच करा सकेगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से संक्रमित होकर आइसोलेशन में हैं, तो खुद सीएम ने कमान संभाल ली है। सीएम लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। आज सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जिलों को सौगातें दी और इसमें सबसे बड़ी सौगात प्राइवेट लैब में सस्ती दरों पर कोरोना टेस्ट। अब राजस्थान में केवल 800 रुपए में कोरोना का RT-PCR टेस्ट होगा। जांच किट की कम लागत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। पहले निजी लैब में जांच की दर 2200 रुपए थी, बाद में 2200 रुपए से घटाकर 1200 रुपए कर दी गई और अब RT-PCR जांच के लिए केवल 800 रुपए चुकाने होंगे। अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मान लो 2200 रुपए ले रहे थे, 2200 रुपए ले रहे थे, 2200 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूंगा हम 1200 के बजाय 800 रुपए में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम। इसके अलावा भी सीएम ने आज सूबे को कई सौगातें दी। सीएम ने 6 जिलों में कोरोना वायरस जांच प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद के नाथद्वारा, टोंक और बूंदी में लैब शुरू हुई। इसके अलावा जोधपुर के MDM अस्पताल में कैंसर इलाज के लिए नए वार्ड का भी लोकार्पण किया। MDM में ऑर्थोपेडिक थिएटर और एक्यूट केयर वार्ड की रिनोवेशन, अल्ट्रेशन और कैंसर वार्ड के इंटीरियर कार्य का लोकार्पण भी किया। सीएम ने आम जन को सचेत करते हुए कहा कि लोगों को भ्रम है कि गांव वालों को कोरोना नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान में जिन 2000 लोगों की मौत हुई है उनमें से 700 लोग ग्रामीण इलाकों से हैं। कोरोना ना जाति देखता है, ना आयु वर्ग देखता है, ना गांव देखता, ना शहर देखता। कई गांव वालों को भ्रम है कि गांव में कोरोना नहीं था। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, 80% आबादी गांव में रहती है, क्षेत्रीय आबादी है। सीएम ने रघु शर्मा के RUHS में कोरोना वार्ड के निरीक्षण पर विपक्ष की राजनीति पर भी निशाना साधा। शानदार वहाँ पर RUHS के अंदर बना है आपका ये ICU बेड का वार्ड, 70 बेड का वार्ड बन गया, बहुत शानदार। आपको पता होगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद अस्पताल में घूमकर निरीक्षण किया था। इधर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने भी कोरोना काल में राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की है।